बॉलीवुड फिल्मों की बात तो होती रहती है, तो उसमें आपको प्यार भी मिलती है, दोस्ती भी मिलती है, दुश्मनी भी मिलती है, पारिवारिक भी मिलता है, जैसी कई चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। वहीं इनमें नज़र आने वाले कलाकारों को भी कई बार किरदार की मांग के हिसाब से ढलना होता है। ऐसे में हम अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो उन्हें भी कई बार कहानी के हिसाब से अपने हम उम्र या उम्र से ज़्यादा और कम के एक्टर की माँ का भी रोल निभाना पड़ता है। नरगिस से लेकर अनुष्का शेट्टी तक बॉलीवुड की कई ऐसी हसीन एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने स्क्रीन पर अपने को स्टार की माँ का रोल प्ले किया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया तो बहुत से लोगों ने देखी होगी। इस मूवी में नरगिस ने अपने हमउम्र अभिनेता सुनील दत्त की माँ का किरदार निभाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म के लगभग एक साल बाद उन्होंने शादी भी कर ली थी। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाए उसमें दिवंगत एक्ट्रेस रीमा लागू का नाम शामिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बता दें कि उन्होंने फिल्म वास्तव में अपने हमउम्र अभिनेता संजय दत्त की माँ का किरदार निभाया था। वहीं हम साथ साथ हैं में उन्होंने अपने से कुछ साल बेटे यानी कि छोटे बेटे सलमान खान की माँ का रोल भी प्ले किया था। एक्ट्रेस शेफाली शाह ने फिल्म वक्त में अमिताभ बच्चन की पत्नी और अपने से बड़े अभिनेता अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था। बता दें कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस समय एक्ट्रेस शेफाली लगभग 33 साल की थी, वहीं अक्षय भी 38 साल के थे। ऋतिक रोशन और करीना कपूर की स्टारर फिल्म यादें साल 2001 में आई थी। इस फिल्म में सुप्रिया कर्णिक ने अपने हमउम्र अभिनेता ऋतिक रोशन की माँ का किरदार निभाया था। बात करें आखिरी एक्ट्रेस की तो वो है अनुष्का शेट्टी। ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही बाहुबली के दूसरे पार्ट में एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने अपने हमउम्र अभिनेता प्रभास की मां का किरदार निभाया था। इस फिल्म को अभी तक दो पार्ट आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है और इस फिल्म की तीसरे पार्ट का सबको इंतजार है। ऐसी तमाम और लेटेस्ट